गुजरात के सुरेंद्र नगर में केजरीवाल की जनसभा है और सुरेंद्र नगर के एक टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल की सभा होगी। केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के लिए पूरा दम लगा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में लगातार पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं और उसी मिशन के तहत अरविंद केजरीवाल शुक्रवार से ही दो दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक आज सुरेंद्र नगर में एक टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल केजरीवाल ने द्वारका में एक टाउन हॉल को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने वादों की झड़ी लगा दी थी। कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए। तीसरी गारंटी, ये जो इन्होंने नया जमीनों का सर्वे कराया है, ये सारा सर्वे गलत है। इस सारे सर्वे को रद्द किया जाएगा और आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके दोबारा नया सर्वे करवाया जाएगा। आप सर्वे करोगे। दिल्ली में योजना लागू करी, वही योजना गुजरात में लागू करेंगे। फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। नर्मदा बांध का जितना पूरा कमांड क्षेत्र है, वहां पे एक साल के अंदर कोने कोने तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके। आज आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब गुजरात में सरकार बनाने का सपना सजो रही है और इसीलिए जनता के सामने खुद को बीजेपी का विकल्प बता रही है।